गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में भी बात की थी कि आज हम नया लेसन स्टार्ट करेंगे, तो आज हमारा नया लेसन जो है हमारी किताब का लेसन नंबर 3 है, मृदा कोलाइड्स के बारे में। इसके बारे में, मृदा कोलाइड्स के बारे में। तो मृदा कोलाइड्स के बारे में जानने से पहले या बात करने से पहले हम पहले बात करेंगे कोलाइड्स के बारे में कि कोलाइड्स क्या होते हैं। ठीक है, अगर हम कोलाइड्स की बात करें तो कोलाइड्स के बारे में क्या कहा गया है कि जो कोलाइड शब्द है वो किस बात ग्रीक भाषा से लिया गया है। किस भाषा से लिया गया है? ग्रीक भाषा से। तो उन्होंने क्या कहा कि जो ग्रीक भाषा के कौन से शब्द, कोला शब्द से लिया गया है। कौन से शब्द से? कोला शब्द से। यानी जो कोलाइड्स हैं वो ग्रीक भाषा के कोला शब्द से लिया गया है, जिसका हिंदी में मतलब होता है गोल या गेंद के समान। यानी ऐसे सारे पदार्थ जो कैसे क्या होते हैं, आकार में बहुत महीन होते हैं और उनकी संरचना में कैसे होते हैं, गोल या गेंद के समान होते हैं, क्या कहलाते हैं? कोलाइड्स कहलाते हैं। यहाँ तक चीज़ है, क्लियर है? किस भाषा से था? ग्रीक भाषा। अब कोलाइड्स की बात करें तो कोलाइड्स का जो कोलाइड्स के ऊपर जो रिसर्च की गई थी, कोलाइड्स के बारे में जो आगे की जो स्टडी हुई थी वो की थी डॉक्टर थॉमस ग्रहाम ने। किसने की थी? डॉक्टर थॉमस ग्रहाम ने। तो इसी कारण जो था डॉक्टर थॉमस ग्रहाम को क्या कहा गया? फादर ऑफ कोलाइड साइंस, यानी जो कोलाइड रसायन के फादर किसको कहा गया? फादर थॉमस ग्रहाम को कहा गया। अब थॉमस ग्राम की बात करें तो थॉमस ग्राम ने क्या किया, कोलाइड्स को अलग को क्या डिफ्रेंशिएट करने के लिए या उनको अलग करने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें उन्होंने क्या किया कि जो जितने भी जल विलय पदार्थ थे, यानी ऐसे पदार्थ जो जल में आसानी से घुलकर विलयन बना लेते हैं, तो जितने भी जल विलय पदार्थ थे उनको उन्होंने क्या किया, एक जंतु झिल्ली उसमें से इनको छानने की कोशिश की। क्या किया? छानने की कोशिश। जब उनको छाना तो जो कुछ पदार्थ थे वो छनकर नीचे की साइड आ गए इस झिल्ली से। तो जो पदार्थ छनकर नीचे की साइड आ गए, थॉमस ग्राम ने इनको क्रिस्टलाइज कहा। क्या कहा? क्रिस्टलाइज कहा। और जो पदार्थ छनकर नीचे नहीं आ पाए, यानी ऊपरी जमा रह गए या थोड़ी बहुत मात्रा में छने, उनको इन्होंने क्या किया, कोलाइड्स की श्रेणी में रख दिया गया। यानी जो पदार्थ आसानी से छनकर नीचे आ गए, थॉमस ग्राम ने इनको क्रिस्टलाइज कहा। और जो पदार्थ नहीं छन पाए, यानी ऊपर की साइड रह गए या छने भी तो कुछ, सिर्फ कुछ मात्रा में, तो इसके आधार पर उनको कोलाइड्स की श्रेणी में रख दिया गया। अब बात करते हैं कोलाइड्स की परिभाषा की। तो परिभाषा में क्या कहा कि ऐसे सभी पदार्थ जिनका आकार लगभग 1 से 100 मिली माइक्रोन के बीच में होता है। यानी ऐसे सभी पदार्थ जिनका आकार कितना होता है, 1 से 100 मिली माइक्रोन के बीच में होता है, और तथा अगर उनको किसी झिल्ली में से गुजारा जाए तो वो वहाँ से आसानी से नहीं छन पाते, क्या कहलाते हैं? कोलाइड्स कहलाते हैं। यानी परिभाषा में क्या लिखेंगे कि यानी ऐसे सभी पदार्थ जिनका आकार 1 से 100 मिली माइक्रोन के मध्य पाया जाता है, और अगर उनको किसी पारगम्य झिल्ली या अपारगम्य झिल्ली से गुजारा जाता है तो वो वहाँ से क्या होते हैं, छन नहीं पाते, क्या कहलाते हैं? कोलाइड्स कहलाते हैं। ठीक है, अब जब कोलाइड्स की बात हो गई, कोलाइड्स की सबसे लिया गया ये बात हो गई, तो अब हम नेक्स्ट जो बात करेंगे वो कहेंगे कि कोलाइड्स की विशेषता के बारे में, यानी कोलाइड्स में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पाई जाती है या विशेषता पाई जाती है। अब कोलाइड्स की विशेषता की बात करें तो सबसे पहले जो कोलाइड्स की विशेषता होती है वो होती है उनमें पाई जाने वाली विषमांगता। क्या होती है? विषमांगता। विषमांगता के बारे में क्या कहा गया है कि जो कोलाइड्स होते हैं वो कभी भी वास्तविक विलयन का निर्माण नहीं करते। कैसे नहीं, क्या करते हैं? यानी ऐसे पदार्थ ये जो कोलाइड्स होते हैं कभी भी वास्तविक विलयन का निर्माण या वास्तविक विलयन का निर्माण नहीं कर पाते। क्या कहलाएंगे? किस विलयन का निर्माण करेंगे? विषमांगी विलयन। अगर विषमांगी या वास्तविक विलयन की बात करें तो क्या होगा, माना कि एक जार है जिसमें ये क्या है, जल है, तो जो कोलाइड कोलाइडल सॉल्यूशन होगा उनमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स की मात्रा कम पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी? कम पाई जाएगी। इसलिए जो इनका जो विलयन होगा वो कैसा होगा, विषमांगी होगा, यानी वास्तविक नहीं होगा। जबकि अपना जो ट्रू विलयन होता है, ट्रू सॉल्यूशन होता है, उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, इसके कारण इनको वास्तविक विलयन की श्रेणी में रखा गया। यानी पहली विशेषता क्या हो गई कि जो कोलाइड्स होते हैं वो क्या होंगे, हमेशा विषमांगी विलयन बनाएंगे, यानी वास्तविक विलयन का निर्माण नहीं करेंगे। ये होगी पहली विशेषता। अब बात करते हैं सेकंड विशेषता की। जो सेकंड विशेषता होगी वो कहलाएगी विसरण या डिफ्यूजन।
विषरण में क्या होगा, अपन ने पहले ही देखा था कि जब उनको जंतु चिल्ली के माध्यम से गुजारा जा रहा था तो वो क्या हो रहे थे, गुजर रहे थे कि नहीं गुजर रहे थे, नहीं गुजर रहे थे, ऑब्वियसली बात है। तो इसके अंदर क्या लिखेंगे कि जो कोलाइड्स होते हैं उनमें विषरण का गुण अनुपस्थित होता है, यानी वो कैसे होंगे, किसी भी झिल्ली से गुजारने के बाद नीचे की साइड झनकर नहीं आएंगे। अगर हम इनकी थर्ड विशेषता की बात करें तो थर्ड होती है इनमें ब्राउनी गति। कौन सी गति? ब्राउनी गति। ब्राउनी गति की बात करें तो ब्राउनी गति में क्या कहा गया है कि क्या होता है कि जब हम जितने भी जो कोलाइड्स होते हैं उनको अल्ट्रा इलेक्ट्रॉन सूक्ष्म दर्शी के माध्यम से देखते हैं तो देखने के बाद क्या होता है कि ये जो कण होते हैं किसके, कोलाइड्स के कण, वो क्या होते हैं एक से दूसरे स्थान पर गति करते हुए दिखाई देते हैं, यानी कंपन करते हुए दिखाई देते हैं। और ये जो कंपन होता है ये क्या कहलाता है, ब्राउनी गति। ब्राउनी गति समझ में आए, यानी जब हम कोलाइड्स को किसके माध्यम से देखते हैं, अल्ट्रा सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखेंगे, देखने के बाद क्या होगा जो कोलाइड कण होंगे वो क्या होंगे, गति करते हुए दिखाई देंगे, यानी कंपन करते हुए दिखाई देंगे। और ये जो गति या कंपन है क्या कहलाती है, ब्राउनी गति। तो ब्राउनी गति ये होगा अपने कोलाइड्स की तीसरी विशेषता। अब बात करते हैं चौथी विशेषता की, तो चौथी जो विशेषता होगी वो होता अपना टिंडल प्रभाव। कौन सा प्रभाव? टिंडल प्रभाव। अगर हम टिंडल प्रभाव की बात करें तो टिंडल प्रभाव हम सब लोगों ने देखा है कि टिंडल प्रभाव किसने दिया था, डॉक्टर टिंडल ने दिया था। उन्होंने क्या कहा कि जब हम किसी अंधेरे कमरे में क्या करते हैं, रोशनी को प्रवेश करवाते हैं, किसी अंधेरे कमरे में हम क्या करते हैं, रोशनी को प्रवेश करवाते हैं, तो हमें उस रोशनी के अंदर क्या होता है, कई मिट्टी के कण गति करते हुए दिखाई देते हैं या मिट्टी के कण दिखाई देते हैं, जिसको क्या कहा गया, टिंडल प्रभाव। यानी ये जो टिंडल प्रभाव है ये तो अपन ने अपने घर पे भी देखा होगा कि जब अंधेरे कमरे में रोशनी आती है तो उस रोशनी में क्या हुआ, आपने उस रोशनी की लाइन में क्या मिट्टी के कणों को देखा हुआ, यानी महीन महीन मिट्टी के कण उसमें दिखाई देते हैं, और यही क्रिया क्या कहलाती है, टिंडल प्रभाव। ये हो गया चौथी विशेषता। अब बात करते हैं पांचवी विशेषता की, कोलाइड की पांचवी विशेषता की, कोलाइड की पांचवी विशेषता होगी उनमें आवेश। क्या होगा, आवेश। अगर आवेश की बात करें तो कोलाइड के आवेश में कहा गया है कि जो कोलाइड होते हैं, जितने भी जो कोलाइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, आवेश में ऋण आवेशित होते हैं। कैसे होते हैं, ऋण आवेशित होते हैं। इसी के कारण क्या होता है, जब वो ऋण आवेशित होते हैं तो सारे जो धनायन होते हैं वो उन पर आकर चिपक जाते हैं। इसलिए जो कोलाइड्स होते हैं उनका जो आवेश होगा कैसा होगा, ऋण आवेश होगा। ठीक है, ये होगी पाँचवीं विशेषता। अब छठी विशेषता की बात करें तो उसमें होता है अवशेषण, एब्जर्वेशन। यानी अवशोषण, जिसे हिंदी में कहेंगे हम अवशोषण। अवशोषण के बारे में क्या कहा गया, कोलाइड की विशेषता में अवशोषण का मतलब क्या होता है कि अपन ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो कोलाइड्स क्या होते हैं, ऋण आवेशित होते हैं। अगर ये ऋण आवेशित क्या होते हैं तो क्या करते हैं, जितने भी धनायन होते हैं ये इनको अपने ऊपर अवशोषित कर लेते हैं, और अवशोषित करने की इस क्रिया को क्या कहते हैं, अवशोषण कहते हैं। ठीक है, ये भी क्या होता है, अवशोषण करना भी कोलाइड्स का एक गुण होता है। यानी पहला गुण क्या था, उनमें विषमांगता पाई गई थी। दूसरा गुण क्या था, उनमें विसरण नहीं पाया जा रहा था। तीसरा गुण क्या था, उनमें ब्राउनी गति पाई जा रही थी। चौथा, उनमें टिंडल प्रभाव पाया जा रहा था। और पांचवा गुण अपन ने क्या लिखा था कि वो कैसे होता है, उनमें आवेश ऋण आवेशित होता है। अब छठे की बात करें तो क्या होता है, अवशोषण। यानी ये क्या होते हैं, ऋण आवेशित होते हैं, तो जितने भी धनायन होते हैं उनको अपने ऊपर अवशोषित कर लेते हैं। नेक्स्ट जो चौथा, नेक्स्ट और लास्ट वाला जो उनका सॉरी कोलाइड का गुण है वो होता है अवशेषण। क्या होता है, अवशेषण। अवशेषण के बारे में क्या कहा गया कि जो जितने भी जो वो क्या होते हैं, कोलाइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऋण आवेशित होते हैं, और जो जितने भी धनायन हैं उनका अवशोषण कर लेते हैं। तो जब हम इन धनायनों का अवशोषण करने के बाद जब हम इसमें विद्युत अपघट्य को मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं, विद्युत अपघट्य को मिलाते हैं, तो विद्युत अपघट्य के मिलाने के बाद ये जितने भी धनायन होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ से हट जाते हैं, और हटने की इस क्रिया को क्या कहते हैं, अवशेषण। यानी कोलाइड्स में क्या होता है, एक गुण अवशेष, जैसे अवशोषण का गुण होता है वैसे अवशेषण का गुण भी होता है। यानी जब ये ऋण आवेशित होते हैं तो धनायनों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, तो जब उनमें विद्युत अपघट्य मिलाते हैं तो मिलाने के बाद इनको क्या करते हैं, वहाँ से हटा भी देते हैं, यानी अवशेषित भी
कर देते हैं। ये सारे होते हैं छठों जो सातों हैं, ये सब क्या है, मृदा सॉरी कोलाइड्स के गुण पाए जाते हैं। तो अब तक बात करते हैं हम किसकी, कोलाइड्स की। अब बात करेंगे हम मृदा कोलाइड्स की, यानी अब तक कोलाइड्स की गुण पढ़ रहे थे, अब पढ़ेंगे मृदा कोलाइड्स की गुण। तो मृदा कोलाइड्स के गुण की बात करें, जैसा कोलाइड्स में होता है वैसा ही गुण क्या होते हैं मृदा कोलाइड्स में होते हैं, बस कुछ गुण एक्स्ट्रा होते हैं जिनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो अगर हम बात करते हैं किसकी, मृदा कोलाइड्स की, तो मृदा कोलाइड्स के बारे में बात करेंगे। तो मृदा कोलाइड्स यानी अगर परिभाषा की बात करेंगे तो परिभाषा तो वही होगी, यानी क्या होगा कि जैसे मृदा कण जिनका आकार कैसा होगा 1 से 100 मिली माइक्रोन तक होता है, क्या कहलाएंगे, मृदा कोलाइड्स कहलाएंगे। विशेषताएँ कौन कौन सी जो अब तक पाई जा रही थी, कौन कौन सी, यानी उनमें ब्राउनी गति हो, विषमांगता हो, अवक्षेपण हो, सॉरी अवशोषण हो, आवेश हो, टिंडर प्रभाव हो या ब्राउनी गति हो, ये सारी विशेषता तो पाई जाएगी, साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा विशेषता भी पाई जाएगी। जैसे कि पहली विशेषता की बात करें वो होती है उसमें सुगठ्यता, सुगठ्यता और प्लास्टिसिटी। ये अब किसके बारे में पढ़ रहे हैं, मृदा कोलाइड्स के बारे में। तो मृदा कोलाइड्स का जो पहला गुण होगा, उन सात गुण के अलावा पहला जो गुण होगा वो होगा सुगठ्यता। सुगठ्यता के बारे में कहा गया है कि जब हम मृदा कोलाइड्स के ऊपर कोई प्रभाव सॉरी दाब डालते हैं या प्रेशर डालते हैं, तो डालने के बाद वो क्या होते हैं, अपने आकार से दूसरे आकार में चेंज हो जाते हैं। किसमें हो जाते हैं, दूसरे आकार में चेंज हो जाएंगे। और जैसे ही आप वहाँ से प्रेशर हटाते हो वो वापस कैसे हो जाएंगे, अपने नॉर्मल आकार में आ जाएंगे। यानी आप लोगों ने गुब्बारे में देखा होगा कि जब गुब्बारे में हवा भरी होती है तो अपन जैसे गुब्बारे पर हाथ दबाते हैं तो क्या होता है, वो फैल जाता है, और जैसे आप हटाते हो तो उसको वो क्या होता है, वापस अपनी जो पहले वाली स्थिति होती है उसमें वापस कन्वर्ट हो जाता है। और इसी गुण को क्या क्या कहा जाता है, सुगठ्यता कहा जाता है, जो किसमें पाई जाती है, मृदा कोलाइड्स में पाई जाती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं दूसरे गुण की। तो जो दूसरा गुण होगा उसमें होता है ससंजन एवं आसंजन। ससंजन व आसंजन, ससंजन और आसंजन की बात करें तो मृदा कोलाइड्स के इन गुणों के बारे में क्या कहा गया है कि जब दो मॉलिक्यूल्स जो समान आकार के होते हैं, यानी जब जल जल को ही आकर्षित करेगा, एग्जाम्पल की बात करें जब जल जल को ही आकर्षित करेगा तो उसको क्या कहेंगे, ससंजन। और जब जल मृदा को आकर्षित करेगा या मृदा कण को आकर्षित करेगा तो इसको क्या कहेंगे, आसंजन। यानी जब समान मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तो क्या कहेगा, क्या कहलाएगा, ससंजन। और जब दो असमान मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तो उसको क्या कहा जाएगा, आसंजन। तो ये चीज़ें समझ में आ गई। मृदा कोलाइड्स का जो सेकंड गुण है वो क्या, सेकंड